दोस्तों, कोल्ड वॉर खत्म हुआ और यूएस लेड यूनिपोलैरिटी का जन्म हुआ। फेमस फिलोसोफर फ्रांसिस फुकुयान ने अपनी किताब द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन में ये दावा किया कि अमेरिका लेड लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर ने दुनिया में विजय पा ली है और अब उसे चैलेंज करने वाला कोई बचा ही नहीं। बात सही भी थी, लेकिन शायद फुकुयामा ने तब चाइना में चल रहे साइलेंट इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन को नजरअंदाज कर दिया था। कम्युनिस्ट चाइना ने स्मार्टली अमेरिका द्वारा क्रिएटेड लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर का इस्तेमाल किया और जब अमेरिका इराक और अफगानिस्तान को डेमोक्रेसी के पाठ पढ़ाने में बिजी था, तब चाइना चुपचाप खुद को पावरफुल बना रहा था। 2021 आ चुका है और अब हम न्यू कोल्ड वॉर की बात कर रहे हैं। अमेरिका की ग्लोबल हेजेमनी क्राइसिस फेस में है और अब चाइना दिन ब दिन खुद को अलग अलग तरीकों से एग्रेसिवली असर्ट कर रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक डोमेन हो, स्पेस का डोमेन हो, साइंटिफिक डोमेन हो या फिर मिलिट्री का डोमेन। आज हर तरफ हमें चाइनीज डोमिनेंस नजर आता है। 1962 के बाद से लार्जली इंडिया और चाइना के बीच भी कोई फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट या वॉर नहीं हुआ, लेकिन अब सिनो इंडिया बॉर्डर्स और इंडियन ओशन रीजन में भी चाइना इंडिया के साथ लगातार कॉन्फ्लिक्ट में उलझा दिखाई देता है। इंडिया और यूएस के इम्प्रूविंग रिलेशंस के बावजूद चाइना का ये कॉन्फिडेंस इसीलिए है क्योंकि उसे लगता है कि इंडिया के सामने आज वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। चाइना का ये कॉन्फिडेंस अनफाउंडेड भी नहीं है। कई एनालिस्ट तो ये भी कहते हैं कि चाइना ने आज कई एरियाज में यूएस जैसी सुपर पावर को भी मात दे दी है। इस पूरे पावर स्ट्रगल के कॉन्टेक्स्ट में रिसेंटली एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। ये खुलासा है द न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल से रिलेटेड, जिसमें चाइना ने एक मेजर सक्सेस हासिल की है। रिसेंटली फाइनेंशियल टाइम ने ये खुलासा किया है कि चाइना ने एक न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल को अगस्त में टेस्ट किया था। इस खुलासे ने यूएस इंटेलिजेंस की नींद उड़ाकर रख दी है। आज के वीडियो में हम इसी खुलासे को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि चाइना का इस मिसाइल को टेस्ट करना यूएस और इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। हम ये भी समझेंगे कि इस इवेंट के इंडिया और यूएस के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं और हाइपरसोनिक मिसाइल में ये डेवलपमेंट इतना बड़ा मुद्दा क्यों है। चलिए सबसे पहले चाइनीज हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, फाइनेंशियल टाइम में मेंशन एक रिपोर्ट के हिसाब से चाइनीज मिलिट्री ने एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को कैरी करने वाले रॉकेट को लॉन्च किया है जो लो ऑर्बिट स्पेस तक गया। चौंका देने वाली बात यह है कि इस मिसाइल ने अपने टारगेट को अटैक करने के पहले पूरे ग्लोब का चक्कर लगाया था। हालांकि खबर यह भी है कि ये मिसाइल कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हुई क्योंकि इसने अपना टारगेट लगभग 24 माइल से मिस कर दिया है। लेकिन फिर भी इस टेस्ट ने यह दिखाया कि चाइना ने हाइपरसोनिक वेपन्स की रेस में एक मेजर जीत हासिल की है और ये सक्सेस यूएस ऑफिशियल्स के एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स पर यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया भी काम कर रहे हैं और पिछले महीने नॉर्थ कोरिया ने कहा था कि उसने एक न्यूली डेवलप्ड हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग भी की है। यूएस और रशिया इस फील्ड में सो फार वर्ल्ड लीडर्स हैं, लेकिन अब चाइना भी इस रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है। खैर, 2019 में एक परेड के दौरान चाइना ऑलरेडी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 को शोकेस कर चुका है, लेकिन ये नया टेस्ट चाइना की मिलिट्री का फर्स्ट एवर टेस्ट है एक न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल का। चलिए अब देखते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल बाकी के मिसाइल से अलग क्यों है। दोस्तों, इस पूरे डेवलपमेंट ने आज यूएस और इवन इंडिया को शॉक कर दिया है क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल्स बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और कंपैरेटिवली इनडिफेंसिबल हैं। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल बैलिस्टिक और क्रूज के कंपैरिजन में ज़्यादा खतरनाक हैं क्योंकि वो लोअर एल्टीट्यूड्स में साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा की स्पीड से उड़ सकती हैं, यानी लगभग 6200 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, और वो अपने टारगेट पर बैलिस्टिक से जल्दी पहुंच सकती है क्योंकि बैलिस्टिक यही डिस्टेंस एक पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री में फॉलो करती है। इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल्स की मैसिव स्पीड की वजह से उनके अगेंस्ट डिफेंस सिस्टम भी इनफेक्टिव हो जाते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स को ट्रैक करना कंपैरेटिवली मच ईजियर होता है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल्स के केस में ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब ऐसे मिसाइल में अगर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ जाए और ये कैपेबिलिटी भी आ जाए कि वो पूरे ग्लोब का चक्कर लगा रही है, तब तो अमेरिकन इंटेलिजेंस की नींद उड़ना लाजमी है। खैर, इन्हें ट्रैक करना इसलिए भी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इतनी मैसिव स्पीड के साथ साथ इन मिसाइल्स का ट्रेजेक्ट्री फिक्स्ड नहीं होता, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल्स एक फिक्स्ड पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स को मैन्यूवर भी कहा जा सकता है, वैसे ही जैसे सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स को, लेकिन क्रूज मिसाइल की स्पीड कम है। हाइपरसोनिक स्पीड में अगर मैन्यूवरेबिलिटी की कैपेबिलिटी हो तो अगेन ये फीचर भी हाइपरसोनिक मिसाइल को डिफेंस सिस्टम से सेफगार्ड कर लेता है।
फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ये टेस्ट यूएस के लिए इस वजह से भी एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि ये वेपन एटलीस्ट थियोरेटिकली साउथ पोल के ऊपर से भी फ्लाई कर सकता है, जबकि यूएस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम मेनली नदन पोल रूट पर फोकस्ड हैं। इसके अलावा एक कंसर्न की बात यह भी है कि आखिर चाइनीज गवर्नमेंट ने इस टेस्ट को सीक्रेट क्यों रखा है। जनरली चाइना अपने वेपन्स टेस्टिंग को अनाउंस करती है। फॉर एग्जांपल, लॉन्चेस कैरी आउट करने वाली चाइना एकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी में जुलाई में एक लॉन्ग मार्च रॉकेट के 77th लॉन्च को अनाउंस किया था और उसके बाद एंड अगस्त में सीधे 79th फ्लाइट की बात भी की थी, यानी 78th फ्लाइट को सीक्रेट रखा गया। कंसर्न का एक बड़ा कारण ये भी है कि यूएस जैसी कंट्रीज ने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स के अगेंस्ट तो कई डिफेंस सिस्टम्स बिल्ड किए हैं, लेकिन एक हाइपरसोनिक मिसाइल स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी अभी भी डाउटफुल है। यही वजह है कि चाइना इस टेक्नोलॉजी को एग्रेसिवली बिल्ड करने में लगा हुआ है जो यूएस के अगेंस्ट उसे बेटर डिटेरेंस कैपेबिलिटीज दे सकते हैं। दोस्तों, ये सीक्रेट मिसाइल टेस्टिंग एक ऐसे वक्त में हुई है जब हम कंटिन्यूअसली ताइवान को लेकर ईस्ट चाइना सी में बढ़ते टेंशन देख रहे हैं। बीजिंग ने ताइवान स्ट्रेट के आसपास मिलिट्री एक्टिविटीज बढ़ा दी हैं, जिसके चलते यूएस चाइना रिलेशंस लगातार खराब होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ये मिसाइल टेंशन एक क्लियर कट पावर डेमोंस्ट्रेशन का एग्जाम्पल है और शायद चाइना यूएस को एक वार्निंग देने की कोशिश कर रहा है कि उसे ताइवान मुद्दे से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा इंडिया के लिए भी ये कंसर्न का मुद्दा बन जाता है क्योंकि पिछले कुछ सालों में चाइना इंडिया का बिगेस्ट रीजनल कॉम्पिटिटर बन के उभरा है। इंडिया की हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी में फिलहाल शौर्य मिसाइल है, जिसे इंडिया ने लास्ट ईयर टेस्ट किया था, लेकिन इसका रेंज चाइनीज हाइपरसोनिक मिसाइल से काफी कम है। इसके अलावा पिछले ही साल DRDO ने एक और बड़ा सक्सेस इस फील्ड में अचीव किया था जब उसने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर व्हीकल या फिर HSTDV को सक्सेसफुली टेस्ट किया था। तब ऑफिशियल्स ने कहा था कि यह अचीवमेंट हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम की डेवलपमेंट का फाउंडेशन स्टोन बनेगा। हालांकि दावा यह भी था कि इस पूरी टेक्नोलॉजी को रोबस्ट बनाने में अभी 4 से 5 साल का समय और लगेगा। इन टोटैलिटी हम ये कह सकते हैं कि चाइना का हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डेवलप करना एक पॉसिबल हाइपरसोनिक मिसाइल रेस को एशिया में भी जन्म दे सकता है, जो एशिया में फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट और टेंशंस को फर्दर इंक्रीज करेगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी चाइना के न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।